ये है मेरे दादा और दादाजी। दादी थोड़ी भोली भाली है पर बड़ी ही प्यारी है। दादी अपने पोते से यानी मुझसे बहुत प्यार करती है। और यह है मेरे रिटायर्ड जवादिल दादाजी। दिखने में बुढ़े दिखते हैं पर इनकी हरकतें अभी भी जवान लोंडू की जैसी ही है। इन दोनों ने एक टूर प्लान किया है और दोनों निकल पड़े उत्तर भारत घूमने। तो आइए देखते हैं मेरे भोले भाले दादी का भोलापन। सुनते हो चिंटू के दादा, हम लोग दिल्ली तो आ गए हैं पर आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे हम जानुम के रास्ते से सीधा परलोक जाएंगे। आप हमेशा उल्टा ही जवाब क्यों देते हैं? और अभी हमारी परलोक जाने की उम्र है क्या? बातें तो ऐसा कर रही है जैसे कि अभी तू 20-22 साल की है और आगे की प्लानिंग कल सोचेंगे। अभी मुझे चैन से पिज्जा खाने दे। आपको तो बस खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। पहले मैं अपने पोते को फोन लगाती हूँ। चिंटू की बड़ी याद आ रही है मुझे। हेलो दादी, कैसे हो और कहाँ तक पहुँचे हो अभी आप दोनों? चिंटू बेटा हम ठीक हैं, अभी हम दिल्ली पहुँचे हैं। हेलो दादी, थोड़ा स्लोली बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। क्या बोला, होली खेल रहा है तू? दादी मैंने होली नहीं स्लोली कहा है दादी। ध्यान में रख चिंटू, तेरे एग्जाम है अभी। एक साल होली नहीं खेलेगा तो आपत नहीं आएंगी तुझ पर। चुपचाप पढ़ाई कर। क्या करता हूँ दादी, और बताइए दादाजी कैसे है? चिंटू बेटा तेरे दादाजी तो जवानी के दिन गिन रहे हैं। बुड्ढा जब से आया है तब से खाए जा रहा है। दादाजी ने अभी फोन करके पिज्जा बुलवाया है। बड़ी मस्त सुविधा है इस होटल की बेटा। मस्त एंजॉय कीजिए आप दोनों दादी। बेटा एक आदमी दरवाजे पे आया था, उसने मेरे हाथ में दो डब्बे थमा दिए और चला गया। उस डब्बे को खोला तो उसमें से दो रोटियां निकली। Oh, no! और कमीना 390 रुपए का बिल थमा गया मुझे। 390 रुपए का तो गांव में 2 महीने का राशन आ जाता है। दादी वो रोटियां नहीं पिज्जा है दादी, पिज्जा रोटियां जैसे गोल होता है मेरी माँ। बेटा वो खाने को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने मिर्च पाउडर और मसाला डालकर उसको तवे पे फ्राई किया। Oh, no! तेरे दादाजी देख मेरे हाथ का पिज्जा कितने चाव से खा रहे हैं। क्या पिज्जा तवे पे फ्राई किया? क्या कर रही हो दादी आप? पिज्जा कोई तवे पे फ्राई करता है क्या? Oh, no! जो मैं दादी आपको। बेटा हमारे यहाँ दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है पर यहाँ ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे लोग आधार कार्ड से दरवाजा खोलते हैं। आधार कार्ड से दरवाजा खोलते? तेरे दादाजी ने दरवाजे के अंदर आधार कार्ड डाला और झुप करके दरवाजा खोला। दादी वो आधार कार्ड नहीं की कार्ड है। जैसे हमारे यहाँ ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है वैसे वहाँ की कार्ड होता है दादी। हे भगवान, अच्छा हुआ की कार्ड को आधार कार्ड का राशन कार्ड नहीं कहा। कैसे रहेगी तू दादी? चिंटू बेटा हमारे गाँव जैसे यहाँ भी पानी की दिक्कत है क्या? क्यों, अब क्या हुआ दादी? यहाँ के बाथरूम में हमारे गांव जैसा ही पानी का टब रखा है। मुझे लगता है यहाँ पर भी हमारे गांव जैसी ही पानी की दिक्कत है बेटा। पानी की दिक्कत और 5-स्टार होटल में? इसलिए मैंने उस टब को पानी से भर दिया। क्या पता कब नल का पानी चला जाए। हे देवा, कसवील माजा दादीचो। क्या कर रही हो दादी आप? वो पानी भरने का टब नहीं है, बाथ टब है, नहाते हैं लोग उसमें। क्या टब में बैठ के नहाते हैं लोग? क्या बात कर रहा है तू चिंटू, लोग टब में बैठ के नहाते हैं तो 1 किलोमीटर जितना इतना बड़ा बाथरूम किसके लिए बनवाया है इन लोगों ने? ओह नो, हे भगवान, जब तू अकल बांट रहा था थोड़ी सी अकल मेरी दादी को क्यों नहीं दी? क्या बोलता है जाने।